बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह किचन में मैं हाजिर हूँ। आज मैं करदी का ग्रीन मसाले में पुलाव बना रही हूँ। ये करदी ताज़ी करदी है, तो साफ धो के रखी हूँ और यहाँ पे चावल धो के रखी हूँ। एक टमाटर है और आधा नारियल का दूध है और यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता रखी हूँ, जीरा रखी हूँ, लहसुन थेस के रखी हूँ और यहाँ आलू है और यहाँ पे मैं दो प्याज को फ्राई की हूँ और गर्म मसाला डाल के। अब यहाँ पे फ्राई पैन रखी हूँ, मैं तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं थोड़ा लहसुन डालूंगी। कड़ी पत्ता डालूंगी और जीरा डालूंगी। अब सर्दी को इसमें फ्राई करूंगी। हाई फ्लेम पे मैं यहाँ कड़ी फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पे मिक्सर में मैंने यहाँ पे हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना रखी हूँ पीसने के लिए। मैं थोड़ा पानी डाली हूँ और इसे ग्राइंड करूँगी। मिक्सर में मैं दो टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालूंगी, मिक्स करूँगी और यहाँ पे जो मैं ग्रीन मसाला पीसी हूँ ये डालूंगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी और मसाले में डालूंगी। आधी टीस्पून हल्दी डालूंगी, और ये मसाले को अच्छे से फ्राई करूंगी। टमाटर डालेंगे, ये आलू में साफ धो के नमक के पानी में भिगो के रखे थे, इसे भी डालेंगे। दस मिनट के लिए इसे ढक के रखेंगे, तब तक हमारी सर्दी फ्राई हो रही है। कड़ी फ्राई में इसलिए करती हूँ क्योंकि लहसुन फेंक के अगर डालेंगे और करी पत्ता और जीरा डालेंगे तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और पुलाव भी बहुत टेस्टी लगता है। हर जगह जरूरत नमक डाल देना। आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है और यहाँ पे कर दिए, वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम मिक्स करते हैं। इसमें हम नारियल का दूध डालेंगे, यहाँ पर जो मैंने चावल धो के रखे थे उसे भी डालूंगी। इसे जब बॉईल आ जाएंगे तो फास्ट गैस पे इसे पकने के लिए रखूंगी, पानी सूख जाएगा फिर दम पे दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पुलाव का पानी बिल्कुल सूख गया है, अब इसे मैं 10 मिनट के लिए दो फ्लेम पे दम पे दूंगी। अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा पुलाव हो गया है, दम पे आ गया है, आप देख सकते हैं। और मैंने इसमें बारीक चावल ली हूँ, जो कोलम चावल जो हम घर में खाते हैं। और गैस ऑफ करते हैं, सर्व करते हैं। इसमें बासमती चावल लेने की जरूरत नहीं है।
आप देख सकते हैं हरे मसाले में फ्रेश करदी का पुलाव बन के तैयार है। और इसके साथ मैंने एक इमली का कचूमर बनाया हो। आप इस पुलाव को ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है। और आपको अगर मेरी पुलाव की रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जैसा कल्ला खैर, अल्लाह हाफिज़।